गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू अ फ्रेश न्यू ब्लॉग. कोंकणा हियर. सो बिफोर वी बिगिन, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहे अबाउट माई सिंगापुर ट्रिप. सो अगेन टुडे इज़ अ रेनी डे. आज वापस से बारिश हो रही है, तो इसीलिए मैं फिर से निकल पड़ी हूँ एक मॉल के लिए. मतलब निकल क्या पड़ी हूँ, मैं मॉल पहुँच चुकी हूँ. सो इस मॉल का नाम है IMM. ये जुरोंग ईस्ट में है. इट इज़ बेसिकली एन आउटलेट मॉल. ओके, सो आउटलेट मॉल्स में बेसिकली आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स मिलते हैं, एंड दे आर अवेलेबल एट अ डिस्काउंटेड प्राइस. ओके, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर द शॉप्स टुडे एंड सी कि यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है. लेकिन इफ़ यू बीन टू द UK और यूरोप या फिर US, ये उस तरह का डिज़ाइनर आउटलेट विलेज नहीं है. मतलब यहाँ पे आपको बहुत बेसिक एंट्री लेवल लग्जरी ब्रांड्स मिलेंगे. सो दैट्स माइकल कॉर्स, कोच, केट स्पेड, इस तरह के ब्रांड्स हैं. यूरोप वगैरह में जैसे डियोर, प्राडा, गुची, इनके भी स्टोर्स होते हैं आउटलेट मॉल्स में. यहाँ पे वैसा नहीं है, बट नॉनदलेस देर आर सम वेरी गुड ब्रांड्स ओवर हियर. सो अगर आपको ब्रांडेड शॉपिंग करनी है, लाइक प्रॉपर लग्जरी ब्रांड शॉपिंग, तो आप इस मॉल में आ सकते हो. इट्स अ फेयरली लार्ज मॉल एज वेल. मैं जस्ट अभी एंटर की हूँ, सो लेट मी सी कि यहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या मिलता है, क्या क्या प्राइस में अवेलेबल है. सो आई विल डू अ वॉक थ्रू एज वी गो अलॉन्ग. आई माइट नॉट स्पीक अ लॉट इन दिस वीडियो, बट मैं डेफिनेटली जो शॉप्स में एंटर करूँगी, आई विल शो यू कि वहाँ का कलेक्शन कैसा है, एंड ट्राई एंड गिव यू एन आइडिया अबाउट द प्राइस पॉइंट एज वेल. सो लेट्स गो. Thank you.
एवरीवन। सो मैं वापस आके चेंज करके वापस निकल गई हूँ। मैं जा रही हूँ अगेन एट स्टार विस्टा मॉल, जो मेरी सिस्टर के घर के बिल्कुल पास में ही है। वहाँ मैं जा रही हूँ अपनी एक स्टूडेंट से मिलने के लिए। मेरी ऑनलाइन क्लासेस की स्टूडेंट है वो। सम ऑफ यू माइट नॉट नो कि मैं एक होम बेकर हूँ एंड मैं ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ बेकिंग एंड कुकिंग से रिलेटेड। सो आज दिन में मैं जहाँ गई थी IMM मॉल, वहाँ पे भी मैं एक स्टूडेंट से मिली थी। वो भी यहाँ पे योगा इंस्ट्रक्टर है, प्लस शी डज अ बिट ऑफ बेकिंग एज वेल। सो उस टाइम पे बात करते करते मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था, तो मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं किया वहाँ पे, लेकिन फ़ोटो ज़रूर लिया था मैंने उसके साथ।
एंड अभी वापस मैं एक जन और से मिलने जा रही हूँ. सो क्योंकि वो भी यहाँ पास में ही रहती है एंड दिस मॉल आई थिंक इज़ क्लोज बाय फ्रॉम हर हाउस इज़ वेल, तो इसलिए मैंने कहा कि हम वहीं पे मिल लेते हैं. मे बी वील सिट ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी, डू अ लिटिल बिट ऑफ चिट चैट एंड उसके बाद शायद से हम रात को निकलेंगे डिनर के लिए. सो मैं, मेरी सिस्टर एंड माय ब्रदर इन लॉ अगेन, हम तीनों निकलेंगे. सो दिस इज़ लाइक अ बैक रोड यहाँ पे एंड इट्स वेरी नाइस एंड ग्रीन. इसी सेम रोड से मैं फर्स्ट डे भी गई थी मॉल. बहुत अच्छा है, वेरी नीट एंड क्लीन ऑफ कोर्स एंड बहुत ही ज़्यादा ग्रीन है. आपको मेरे पीछे पूरा दिख रहा होगा. इट्स अ रेजिडेंशियल एरिया कम्प्लीटली. सो मैं चलती जा रही हूँ एंड आप लोग व्यू एंजॉय. सी, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस सिटी इज़ के यू नो यहाँ पे हालांकि गर्मी है एंड वो गंदी चिपचिप वाली गर्मी है, लेकिन कोई डस्ट नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है. एंड यू नो इवन जब आप बस में या मेट्रो में चढ़ते हो एंड वहाँ पे जब आप वो रेलिंग्स वगैरह पकड़ते हो ना, तो वो चिपचिपा सा वो डर्टीनेस फील नहीं होता है. सो एवरीथिंग इज़ वेरी वेल मेंटेन्ड, नाइस एंड ग्रीन. सो सी, ये जो है यहाँ पे, ये बेसिकली GSK का ऑफिस है. ओके, ये GSK का ऑफिस है. वहाँ पे सामने साइन बोर्ड में लिखा है GSK एंड हमें रास्ता क्रॉस करके जाना है उस तरफ. ओके, उस तरफ हमें जाना है एंड ऑफ कोर्स हाँ सी, यहाँ पे आ गया ना GSK का बोर्ड. सो जस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स एज मच एज यू कैन. ठीक है, एज मच एज यू कैन नहीं, जस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स. देर इज नो टू वेज अबाउट इट. ओके, सो मुझे जिनसे मिलना था उनका अभी मैसेज आया है, वो आधे घंटे बाद आएंगी. तो तब तक व्हाट आई विल डू इज, वहाँ पे विस्टा में जो बेकिंग शॉप है ना, वहाँ जाके आई विल डू अ फेसबुक लाइव सेशन फॉर माय स्टूडेंट्स एंड ऑडियंसेस, ताकि उनको भी दिखे कि यू नो सिंगापुर में बेकिंग मटेरियल शॉप्स कैसे होते हैं. सो ये जो सामने आप देख रहे हो, ये वाली बिल्डिंग, दैट इज़ द स्टार विस्टा मॉल. वहीं जाना है मुझे एंड मेरी बेकिंग मटेरियल की शॉप भी वहीं पे है. सो अभी मैं जा रही हूँ वहाँ पे एंड आई थिंक जब तक मैं लाइव सेशन करूँगी तब तक वो भी आ जाएगी एंड देन आई विल मीट हर एंड देन कंटिन्यू द व्लॉग. हाय गाइस, सो जो आप लोग अभी मरीना बे सैंड्स आए हुए हैं हम एंड यहाँ पे जस्ट अभी वो लाइट एंड साउंड शो हो रहा है. सो आई एम गोइंग टू जस्ट शो इट टू यू गाइस. मरीना बे सैंड्स बेसिकली यहाँ का बहुत ही पॉपुलर होटल है. यू कैन स्टे हियर, यहाँ कैसीनो है, बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है एंड दिस इज़ राइट नेक्स्ट टू द मरलाइन. सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक होटल्स इन सिंगापुर एंड यहीं पे आपका लुई विटों का शोरूम है विच इज़ द फ्लोटिंग स्टोर एंड द एप्पल स्टोर इज़ राइट बिहाइंड मी. ओके, सो लेट मी जस्ट शो इट टू यू गाइस. सो दैट ओवर देयर इज़ द LV का शोरूम. ओके, यहाँ पे अभी लाइट एंड साउंड शो होता है, रोज़ शाम को होता है, एक बार 8 बजे और एक बार 9 बजे. ठीक है, एंड ये जो रिवर है यहाँ पे आप बोट, यू कैन टेक अ क्रूज़ ऑल्सो, अगर आपको दिख रहा होगा राइट देयर. ठीक है, आप ऐसे क्रूज़ राइड ले सकते हो एंड दिस ओवर हियर इज़ द फ्लोटिंग एप्पल स्टोर. ओके, सो बेसिकली यहाँ से ये ब्रिज है, वो लाइट आप देख रहे हो, दैट इज़ द ब्रिज. बेसिकली ब्रिज से आपको एप्पल स्टोर में जाना होता है. सो दैट इज़ द फ्लोटिंग एप्पल स्टोर, अगेन वेरी वेरी आइकॉनिक इन सिंगापुर. ओके, सो अभी हम डिनर करने जा रहे हैं एंड कहाँ जा रहे हैं वो मैं अंदर जाके आपको बताती हूँ.
दिस इज़ वेर वी आर गोइंग फॉर डिनर. आज के लिए हमने यहाँ पे रिजर्वेशन किया है. सो वी आर फाइनली सीटेड एट गॉर्डन रैमजीज़ रेस्टोरेंट. गॉर्डन रैमजी इज़ अ वेरी फेमस यूके सेलिब्रिटी शेफ. अगर आप मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया फॉलो करते हो तो आपने उनको वहाँ पे देखा होगा. ही इज मेड क्वाइट अ फ्यू अपीयरेंसेज देयर. सो ही हैज़ लॉट्स ऑफ रेस्टोरेंट्स अक्रॉस द ग्लोब एंड ऑफकोर्स सिंगापुर में भी है. सिंगापुर में उनका रेस्टोरेंट मरीना बे सैंड्स में है. इट्स काइंड ऑफ अ फाइन डाइन रेस्टोरेंट. सो वी वांटेड टू मेक अ रिजर्वेशन बट फुल था. आज वेडनेसडे नाइट है बट फिर भी रिजर्वेशन नहीं मिला. बट लकीली व्हेन वी वॉक्ड इन वी गॉट अ टेबल. सो हम बाहर के साइड पे बैठे हैं. यहाँ पर सामने की तरफ पूरा व्यू है. ओके एंड देयर आर पीपल साइकिलिंग वॉकिंग जॉगिंग जस्ट चिलिंग सिटिंग चिट चैटिंग. ओके एंड यहीं पे वो लाइट एंड साउंड शो भी होता है. ओके सो दिस इज काइंड ऑफ द मेन्यू दैट दे हैव. इट्स अ वन पेज मेन्यू ओनली. ओके नॉट टू मैनी ऑप्शंस बिकॉज फाइन डाइन में इतने ऑप्शंस आपको मिलते नहीं है खाने के. बट आई थिंक इट्स अ फेयरली डिसेंट मेन्यू. वेजिटेरियन ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे. यू विल गेट कैनलोनी एंड और क्या है कॉलीफ्लावर स्टेक इन वेजिटेरियन. ओके सो वी आर जस्ट ऑर्डरिंग द फूड एंड वंस द फूड कम्स एंड आई विल शो इट टू यू हाउ इट लुक्स एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू टेस्ट ग्रेट. सो आवर फूड हैज अराइव्ड. लेट मी जस्ट शो यू व्हाट वी ऑर्डर्ड. सो दिस इज द पोर्क चॉप. And this is the cannelloni, which is like a stuffed pasta, and ये vegetarian है. This is vegetarian food, okay? And इसके साथ we had ordered some fries. So let's dig in. I'm sure it's going to be super yummy. So my sisters ordered a lamb rogan josh, which comes with naan and saffron rice. It's supposed to be a speciality dish over here. So we are going to try it and they said it's not as spicy as the Indian Rogan Josh is supposed to be. So I think this is Ramsay's take on the Rogan Josh. I'm hoping it'll be good. So we had an amazing dinner. The food was just too good. And itna khane ke baad abhi thoda sa walk karna banta hai. So it's a very nice place. There's a deck here जहाँ पे आप walk कर सकते हो and ऊपर उस तरफ ऊपर में people are cycling, skating, just taking a stroll. It's very very nice and अभी शाम के time पे weather भी बहुत अच्छा है. It's peaceful also. भीड़ नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं है. So I will just turn the camera and show you guys. So basically this is the Marina Bay Sands Hotel. ये ऊपर जो आप देख रहे हो ये आपका Marina Bay Sands Hotel है. And यहाँ पे is the Marina Mall. Okay? And ये है आपका Floating Apple Store. Okay? So यहाँ पे Fullerton Hotel है, बहुत सारे offices है, HSBC, City Bank, TikTok का भी ऑफिस यहीं पे है. सो सी दिस एंटायर वॉक वे. ये पूरा रास्ता आप चल के आराम से वॉक कर सकते हो. हम भी अभी वॉक ही कर रहे हैं. एंड वहाँ सामने इज द लुई विटों शोरूम. ये शोरूम काफ़ी पुराना है, बहुत साल पहले जब मैं आई थी तब भी था. बट It looks really nice. हमेशा यहाँ पे you know lights keep glittering, so it looks really nice. And वो जो सामने आप देख रहे हो ना that thing, that is the Singapore Flyer. So giant wheel की तरह है basically. आप उस पर जा सकते हो. It's like a 30-minute cycle, and basically वहाँ से आपको पूरा city view मिलता है. So this is the place. एंड अभी यहाँ से दिखेगा नहीं बट राइट ओवर देयर इज़ द मरलायन. ओके विच इज़ अगेन अ वेरी वेरी आइकॉनिक स्ट्रक्चर इन सिंगापुर. सो यहाँ पे फुलर्टन होटल भी है, जेपी मॉर्गन का भी ऑफिस है वहाँ पे. एंड दिस इज़
मरीना बे सैंड्स। सो मैं ट्राई करूँगी कभी दिन में आके टू डू अ टूर ऑफ दिस प्लेस। अंदर से बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत बड़ा मॉल है अंदर एंड कैसीनो भी है एंड ऑफ कोर्स होटल है। सो देयर आर रूम्स, आई थिंक रूम्स स्टार्ट एट 50,000 अ नाइट, बट ऑफ कोर्स इट्स वर्थ द मनी इफ यू कैन स्पेंड इट। एंड वो जो वहाँ पे आप देख रहे हो ना ऊपर ब्लू लाइट्स जल रही है, दैट इज अ थिएटर। सो दिस इज द एंटायर व्यू ऑफ द प्लेस। अभी हम वॉक करते हुए जाएंगे, थोड़ा सा खाना डाइजेस्ट करना भी इम्पोर्टेंट है। सो इसके बाद अगर हम कहीं और गए, अगर मन किया तो शायद हम वॉक करते हुए मरलाइन तक भी चले जाएं। आई डोंट नो अभी क्या प्लान है, लेट्स सी। फिलहाल तो हम वॉक करते हुए जा रहे हैं एंड देन आई विल कनेक्ट बैक विथ यू गाइस।